बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डेली बेसिस के व्यूवर्स। आज की नई रेसिपी के साथ में हाजिर हूँ। तो आज बना रहे हैं हम चिकन नगर्ट्स। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: दो ब्रेड पीस, सोया सॉस, आधा कप दूध और चिकन, बोनलेस चिकन है ये, 350 ग्राम है। वाइट पेपर, ये है ऑर्गेनो, पेपरिका, नमक, ब्लैक पेपर, अदरक और लहसुन, मस्टर्ड पेस्ट। अब आधा कप जो दूध है, रेसिपी शुरू करते हैं। आधा कप जो दूध है इसको हम ब्रेड पे डाल के सोक कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। जी तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्ज मिर्चें, दो लहसुन, अदरक का आधा इंच का टुकड़ा है और 3-4 जवे कलियां जो है वो लहसुन है, इसको डाल के हम पहले चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेते हैं। जी तो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया है। अब हम इसमें बोनलेस चिकन डालेंगे। चॉप कर जी, तो चॉप हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे सोक की हुई ब्रेड। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाला जार। ये 1 छोटी चम्मच, 1/4 टीस्पून जो है ये पेपरिका, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सबकी क्वांटिटी एक जितनी ही होगी, ऑरिगेनो और ये 1 चम्मच नमक का है। माप के रखे हुए थे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। और साथ में डालेंगे सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह से जी। तो नाजरीन, ये तैयार हो गया है। एक इंग्रेडिएंट्स मैं बताना भूल गई थी, तो इसमें 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। आप चाहिए तो इसे चॉपर में ही मिक्स कर लें। मैंने अब चॉपर से क्योंकि निकाल लिया है तो मैं ऐसे ही इसे मिक्स कर लूँगी। जी तो ये फाइनल हो गया है। अब हाथों को हल्का सा हम ग्रीसी करेंगे, ऑयल लगाएंगे और इनकी शेप बना लेंगे। इसको बना के इस शेप में रखते जाएंगे। जी तो हमारे नगर्ट्स रेडी हैं। अब हम इनको आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर फ्राई करते हैं। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी तो नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं अपनी फ्राइंग। 2 मैंने अंडे लिए हैं, उनको प्लेट में निकाल लिया है, फेंट लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैंने 1 चुटकी नमक की मिलाई है, 1 चुटकी नमक, और ये ब्रेड क्रम्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे मैदा। कॉर्नफ्लोर नहीं है, ये मैदा है। फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे।
फिर इसे मैदा लगाएंगे। ऑयल गरम करना रख दिया हुआ है। बहुत एहतियात से, ऑयल ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। इसको मीडियम आंच पे पकाना है। अच्छे से अंडा लगाएंगे, फिर हम इसको दोबारा से एक कोट देंगे मैदे में। बहुत एहतियात से इसी तरह से हम अपने सारे पीसेस डन करेंगे। बहुत ही एहतियात से जी। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। इसको मीडियम आंच पे पकाना है क्योंकि हमारी चिकन कच्ची है।